बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, पश्चिमी चंपारण के मझौलिया क्षेत्र से 420 के दो आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। एक को सुपुर्द किया गया बानू छापर ओपी पुलिस को और एक को जेल भेज दिया गया है। 420 के यह दो आरोपित हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि थाना कांड के विभिन्न संख्याओं के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में नामजद अभियुक्त रामाश्रय प्रसाद उर्फ राजाराम महतो, पिता स्वर्गीय मोटर महतो शाकिन भचानक निवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उधर मझौलिया पुलिस ने गांव से विजय उपाध्याय को 420 के केस में गिरफ्तार कर बेतिया बानू छापर ओपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इनके विरुद्ध बानू छापर ओपी थाना कांड के विभिन्न संख्याओं और धाराओं के अंतर्गत नामजद अभियुक्त विजय उपाध्याय, पिता स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय साकिन मझौलिया गांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर बानू छापर ओपी पुलिस को सुपुर्द किया है। इस छापेमारी दल में प्रशिक्षु दरोगा बसंत कुमार, एएसआई संजय कुमार तथा पुलिस बल व बानू छापर के पुलिस पदाधिकारी भी सम्मिलित रहे। सीधा रुख करेंगे संवाददाता मनीष कुमार के साथ। कल दिनांक मझौलिया थाना कांड संख्या 544 21 दिनांक 26/9/2021 धारा 467 468 471 472 भादवी के प्राथमिकी अभियुक्त रामाश्रय प्रसाद उर्फ राजाराम महतो पिता मोटर महतो साकिम भानाचक थाना मझौलिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही मुफस्सिल बानू छापर ओपी थाना कांड संख्या 716/21 दिनांक 9/12/21 धारा 420 406 भादवी के प्राथमिकी अभियुक्त विजय कुमार उपाध्याय पिता स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय साकिब मझौलिया जिला बेतिया को भी गिरफ्तार कर जेल बालू छापर ओपी को सुपुर्द किया गया है, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। दोनों के विरुद्ध गबन का आरोप। R9 भारत के लिए मनीष कुमार, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण।